डिजिग्नेशन में आज ले चलेंगे वॉल्वो XC40 रिचार्ज इलेक्ट्रिक कार के रोलर कोस्टर ड्राइव पर। अल्ट्रा वायलेट इलेक्ट्रिक बाइक भारत में हुई लॉन्च, जानेंगे इसमें क्या है खास। बताएंगे कार डिटेलिंग और PPF के फायदों और नुकसान के बारे में। और जानेंगे इस हफ्ते कैसा रहा ऑटो सेक्टर का मिजाज। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट शो जिग्निशन में। आज इस शो की शुरुआत हम करने जा रहे हैं एक ऐसी इलेक्ट्रिक कार से जो इस वक्त काफी चर्चा में बनी हुई है। केवल रोड प्रेजेंस ही नहीं बल्कि अपनी कीमतों को लेकर भी ये ईवी काफी सुर्खियों में है। हम बात कर रहे हैं हालिया लॉन्च हुई इलेक्ट्रिक कार वॉल्वो XC40 रिचार्ज सिंगल मोटर वेरिएंट इलेक्ट्रिक कार के बारे में। तो आइए करीब से जानते हैं इसमें क्या है खास। हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे साथ है वॉल्वो XC40 रिचार्ज का सिंगल मोटर वेरिएंट। लास्ट मंथ इसको लॉन्च किया गया था और इसको लॉन्च करने की वजह यही है कि इसका जो प्राइस पॉइंट है सिंगल मोटर के कम हो गया है और जो आपकी जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है सिटी ड्राइविंग एक्सपीरियंस और भी ज़्यादा इन्हेंस्ड हो जाती है। सो क्या कुछ इस गाड़ी में मिलता है खास आपको पूरा बताएंगे ही। उसके साथ साथ आपको ये भी बता दूं कि ये प्रीमियम SUV सेगमेंट में आती है जहां पे इसका राइवल है BMW iX1 इलेक्ट्रिक कार। हाल ही में उसके बारे में आपको मैंने बताया था। तो चलिए बिना किसी देरी का एक्सप्लोर करते हैं इस गाड़ी को और आपको बताते हैं कि इस गाड़ी में क्या कुछ मिलता है खास। वॉल्वो भविष्य में फुली इलेक्ट्रिक लाइनअप की ओर बढ़ रही है और इसी क्रम में अब वो अपनी XC40 को केवल इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन के साथ पेश कर रही है। XC40 को पहले डीजल के साथ लॉन्च किया गया था जबकि बाद में इसे माइल्ड हाइब्रिड पेट्रोल में बदल दिया गया, जबकि अब आप रिचार्ज ईवी को सिंगल मीटर के साथ साथ डुअल मोटर कॉन्फ़िगरेशन के साथ भी खरीद सकते हैं। वॉल्वो XC40 रिचार्ज के सिंगल मोटर वेरिएंट की खूबियों की बात करें तो इसमें आपको अच्छी स्टोरेज कैपेसिटी मिल जाती है। फ्रंट बोनट के अंदर 31 लीटर का स्टोरेज, वहीं बूट में 419 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है। हालांकि पीछे बूट में स्पेयर व्हील रखने की वजह से ये स्पेस कम हो जाता है। इंटीरियर की बात करें तो इस इलेक्ट्रिक कार का इंटीरियर बहुत ठोस है। अंदर आपको लेदर फ्री इंटीरियर, एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम, गूगल बिल्ट इन कार लॉक अनलॉक, प्री कंडीशनिंग और बैटरी चार्जिंग स्टेटस देखने के लिए वॉल्वो कार ऐप मिल जाएगी। वहीं मनोरंजन के लिए इसमें 8 स्पीकर वाला हाई परफॉर्मिंग साउंड सिस्टम भी मिलता है। इसके अलावा केबिन के भीतर वॉल्वो ऑन कॉल रिवर्स कैमरा, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, पायलट हेल्प, 7 एयरबैग समेत कई एडवांस सेफ्टी फीचर्स भी मिलते हैं। चलिए अब देख लेते हैं ड्राइविंग सीट से कैसी है ये इलेक्ट्रिक कार। तो अब मैं आ गया हूँ केबिन के अंदर और ड्राइविंग सीट से आपको सबसे पहले जो नज़र आती है वो इसका लोगो है। वॉल्वो का हमेशा यूनिक लोगो होता है और बहुत ही ज़्यादा क्लियर दिख रहा है। सीट पे जैसे आप बैठते हो जब भी आप ड्राइव करोगे तो एक अलग ही कॉन्फिडेंस आप फील करोगे कि आप वॉल्वो की गाड़ी चला रहे हो। काफ़ी स्मूथ और बहुत ही सिंपल यहाँ पर बटन्स वगैरह दिए गए हैं और यहाँ पर आपको ब्लैक और ये स्टील का ड्यूल टोन मिल जाएगा जो अपने आप में दिखने में काफ़ी अच्छा है। और बटन वगैरह भी ज़्यादा इसमें है नहीं, लेकिन जितने भी इम्पॉर्टेंट बटन हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं अपने रेगुलर लाइफ में वो सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं और बहुत ही स्मूथ है। जैसे हम इसको दबाते हैं तो एक अलग ही आपको अच्छा फील होता है कि हाँ कि आप किसी स्मूथ गाड़ी और किसी प्रीमियम गाड़ी को चला रहे हैं। अब इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम के बारे में बात कर लेते हैं, क्या कुछ इसके अंदर फीचर मिलता है। 9 इंच का इसमें इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है जो कि मुझे नहीं लगता कि 50-60 लाख की गाड़ियों में इतना छोटा मिलता होगा। खैर, इसकी अपनी USP है, इसमें टच है, आप टच से इजीली एक्सेस कर सकते हैं। और यहाँ पर एक जो इसका मैप दिया गया है, मैप को जैसे आप क्लिक करते हैं तो एक आपके पास चार्जिंग का ऑप्शन आ जाता है। क्योंकि इलेक्ट्रिक कार है तो सबसे ज़्यादा लोगों के अंदर रेंज एंजाइटी होती है कि नियर बाई में कहाँ पर चार्जिंग स्टेशन होगा। तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो जो सबसे नियरेस्ट चार्जिंग पॉइंट है वो आपको दिख जाएगा। यहाँ पे दिख रहा है कि 11 किलोमीटर अगर आप सीधे चले जाएंगे इस रूट को फॉलो करते हुए तो आप सबसे पहला वाला जो नियरेस्ट चार्जिंग पॉइंट है वहाँ तक आप पहुँच सकते हो, जो अपने आप में बहुत अच्छी बात है। इसमें एप्पल कारप्ले मिल जाता है, एंड्रॉयड ऑटो मिल जाता है और सारे बेसिक जितने भी फीचर्स गाड़ियों में मिलते हैं वो सारी चीज़ें आपको इसके अंदर मिल जाती है। और यहाँ पर अब स्पेस की बात करें
तो दो का फोल्डर आप यहाँ रख सकते हैं और यहाँ पर एक बड़ा सा स्पेस मिल जाता है जहाँ पे आप वॉलेट वगैरह या फिर वॉलेट के साथ साथ इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स या फिर कुछ ज़्यादा सामान जो भी आप कुछ कहीं शॉपिंग करके आ रहे हैं आप चाहते हैं कि यहाँ रख सकें तो ठीक ठाक स्पेस यहाँ पर मिल जाता है। और डॉक्यूमेंट्स रखने के लिए या छोटे मोटे पर्ची रखने के लिए यहाँ पर भी जगह मिल जाती है। और सीट की बात करें तो जो यहाँ पे वाइट कलर की जो स्ट्रेचिंग है ये बहुत ही ब्लैक के साथ बहुत ही अच्छा टोन है, तो इंटीरियर देखते ही आपको अलग ही सुखद एहसास होगा। यहाँ पर सनरूफ मिल जाता है, तो सनरूफ खोलने के लिए आप एक सिंपल सा ईजी आप टच करते हैं, ये देखिए इसको मैंने टच किया और ये आसानी से ये पूरा खुल जाता है। तो ओवरऑल बात करें कि किस तरीके से इसका केबिन है, तो केबिन क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, केबिन के अंदर एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा। छोटे मोटे चीज़ों को छोड़ दें, जैसे कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था 360 कैमरा व्यू, मैं एक्सपेक्ट कर रहा कि थोड़ा सा बड़ा इसका स्क्रीन साइज़ हो। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये गाड़ी का जो इंटीरियर है वो बहुत ही प्रीमियम है। बैटरी पैक और रेंज की बात करें तो XC40 रिचार्ज सिंगल मोटर वेरिएंट में 69 kWh की बैटरी लगी हुई है जो कि 238 हॉर्स पावर और 420 Nm की पीक टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है। वहीं टॉप स्पीड की बात करें तो इसकी टॉप स्पीड 180 किलोमीटर पर आर है। हालांकि क्रेजी फास्ट डुअल मोटर की तुलना में इस सिंगल मोटर की पावर कम है, लेकिन जब आप इसे पहली बार चलाएंगे तो आपको ये काफी फास्ट लगेगी। वेल, ये तो रही इस कार से जुड़ी सारी डिटेल्स, अब बात कर लेते हैं मेरे खुद के सेल्फ ड्राइविंग एक्सपीरियंस की। तो मैंने अधिकतर इसको सिटी में ही राइड किया है और हाईवे पे ज़्यादा मुझे क्रूज़ करने का मौका नहीं मिला, तो मैं अपना बेसिक जो भी आसपास मैंने महसूस किया जब इस कार को मैं रोड पर लेके निकला, तो उन सारी चीज़ों के बारे में अपना अनुभव आपको बताने जा रहा हूँ। तो एक जो पार्किंग इशू होता है, क्योंकि मैं मुंबई में इसको ड्राइव कर रहा हूँ तो वहाँ पे तंग गलियाँ होती हैं और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है, तो ये बहुत ही अच्छा है मेरे लिए भी कि सिटी ड्राइव में इससे बेस्ट नहीं होता आप किसी भी कार को परखने की। तो बहुत ही बेहतर तरीके से इसका जो रिस्पॉन्स था, अगर आप कॉन्फिडेंट हो ड्राइविंग में तो आप अच्छे से चला सकते हो। वहीं अगर आपको ये लगता है कि आप किसी तंग रास्ते में जा रहे हो, आपको थोड़ा सा चैलेंज है कि आपकी गाड़ी वहाँ से निकलेगी या फिर नहीं, तो वहाँ पर आप हेल्प लेते हो सेफ्टी फीचर्स की, जैसे कि 360 कैमरा व्यू। तो इसके अंदर आपको वो कमी खलेगी, उसका जो कैमरा क्वालिटी है वो भी आपको उतना बेहतर नहीं मिलेगा, लेकिन आप जब इस गाड़ी को रोड पे लेके निकलते हो तो आपको कॉन्फिडेंट फील होगा, क्योंकि इसका जो रोड प्रेजेंस है बहुत ही अच्छा है, लोग एक बार ज़रूर आपको घूम के देखेंगे। इसकी बिल्ड क्वालिटी भी बहुत अच्छी है और इसके अंदर केबिन में आपको मिलता है एक यूनिक चीज़, उसके बारे में आपको बता देता हूँ। जो AC वेंट होता है वहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा वॉल्यूम अप डाउन की तरीके से, आपको एक बटन दिया गया होगा, उसको जैसे ही आप राइट साइड घुमाते हो तो AC की हवा और तेज़ हो जाती है, लेफ्ट करते हो तो थोड़ा सा धीरे हो जाता है। तो ये कुछ नया चीज़ था इसके अंदर। और मेरा पर्सनली कहना यही है कि जो SUV कार मार्केट है, ख़ास तौर पे इलेक्ट्रिक प्रीमियम, तो इसमें काफ़ी चुनिंदा प्लेयर हैं और काफ़ी बड़े प्लेयर्स हैं। तो अब इसमें प्रॉब्लम यही होती है कि हम इतना बड़ा अमाउंट लगाएं या फिर ना लगाएं, क्योंकि चार्जिंग इंफ्रा एंड ऑल बहुत सारी चीज़ें हमारे दिमाग में होती है, रेंज एंजाइटी हमारे दिमाग में होती है। सो अब रेंज की बात कर ही रहे हैं तो इसमें 68 किलोवाट आवर की बैटरी पैक लगी हुई है और 475 की मिलती है इसमें आपको सिंगल चार्ज पे रेंज, ये कंपनी का क्लेम है। और रियल वर्ल्ड में अप्रॉक्स आपको 420-430 के आसपास मिल जाएगा। वेल, अगर आपका बजट है 50 से 70 लाख के बीच में या फिर आपका 60 लाख के अंदर बजट है तो ये आपके उस प्राइस पॉइंट में आ जाएगी। ये तो रही लग्जरी इलेक्ट्रिक कार की बात, आइए अब आपको बताते हैं हालिया लॉन्च हुई इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स बाइक अल्ट्रा वायलेट मैक 2 के बारे में। ये इलेक्ट्रिक बाइक अपने सेगमेंट में लुक और रफ्तार को लेकर काफी चर्चा में है, तो चलिए डालते हैं इस पर एक नजर। सो फ्रेंड्स, इस समय मैं अल्ट्रा वायलेट के प्लांट में हूँ बेंगलोर, और अल्ट्रा वायलेट F77 को अपडेट कर दिया गया है और इसका नाम दिया गया है अल्ट्रा वायलेट F77 मैक 2। मैक 2 में बहुत सारे चेंजेस हैं जिसमें इसका रेंज बढ़ जाता है और इसका परफॉर्मेंस भी बढ़ जाता है। तो चलिए आइए जानते हैं क्या है इस इलेक्ट्रिक बाइक में खास। इस अपडेटेड इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स बाइक के लुक्स और डिजाइन के बारे में बात करें तो इसमें कोई भी कॉस्मेटिक चेंजेस नहीं किए गए हैं, यह आपको आउटगोइंग मॉडल की तरह ही लगेगी। हालांकि इस अपडेटेड बाइक में काफी कुछ परफॉर्मेंस और राइडिंग सेफ्टी वाइज बदलाव किए गए हैं।
तो चलिए जानते हैं ये बाइक नए मैक 2 अपडेट के बाद कितना बदल गई है। तो शुरुआत करते हैं इसकी कीमत से। अल्ट्रा वायलेट F77 मैक 2 और F77 मैक 2 रिकॉन की कीमत 2,99,000 रुपए और 3,99,000 एक शोरूम है। हालांकि ये इंट्रोडक्टरी प्राइसेस हैं, केवल शुरुआती 1,000 ग्राहकों के लिए लागू हैं। आप इसे 5,000 रुपए में बुक करवा सकते हैं। दोनों ही ई बाइक्स की डिलीवरी चरणबद्ध तरीके से मई 2024 में शुरू होगी। इसमें आपको 3 राइडिंग मोड्स मिल जाते हैं, इसमें ग्लाइड, कॉम्पैक्ट और बैलिस्टिक मोड शामिल है। अपने रफ्तार के लिए जाने जाने वाली ये बाइक महज 2.8 सेकंड में 0-60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है और 7.7 सेकंड में 0-100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ने में सक्षम है। नए वर्जन में ये बाइक परफॉर्मेंस के मामले में भी बढ़त हासिल करती नजर आती है, जिससे इसकी पावर और टॉर्क आउटपुट में बढ़त देखने को मिलती है। अब ये इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स बाइक 40 bhp की मैक्सिमम पावर और 100 न्यूटन मीटर की पीक टॉर्क जनरेट करती है, जो अपने आप में पर्याप्त है। बैटरी पैक और रेंज की बात करें तो इसमें पहले की तरह ही 10.3 kWh का बैटरी पैक मिल जाता है। हालांकि रेंज में अब आप बदलाव देख सकते हैं। पहले जहां ये इलेक्ट्रिक बाइक सिंगल चार्ज पर 307 किलोमीटर की रेंज देती थी, वहीं अब ये नए अपडेट के बाद सिंगल चार्ज तक 323 किलोमीटर की रेंज देगी। कंपनी अपनी इस बाइक को चार्ज करने के लिए सुपरनोवा चार्जर भी ऑफर करती है, जो महज एक घंटे में इस बाइक को 20% से 80% तक चार्ज कर देगा। अल्ट्रा वॉलेट ने नए लॉन्च के साथ वॉलेट AI को भी इंट्रोड्यूस किया है। इसमें मूवमेंट, फॉल और टोइंग अलर्ट, रिमोट लॉकडाउन, क्रैश अलर्ट, डेली राइड स्टैट्स और एक एंटी कोलिजन वार्निंग सिस्टम जैसे फीचर्स मिलते हैं। ये फीचर्स मोबाइल एप्लीकेशन के साथ मिलकर भी काम करेंगे। अल्ट्रा वॉलेट ने एक नया परफॉर्मेंस पैक पेश किया है। इसमें डायनेमिक रीजन और ट्रैक्शन कंट्रोल शामिल है। इस रीजन मोड के लिए 10 लेवल और ट्रैक्शन कंट्रोल के लिए 4 लेवल दिए गए हैं। कंपनी की ओर से पहले 1,000 ग्राहकों को बिना किसी अतिरिक्त लागत के परफॉर्मेंस पैक मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ये तो रही इस बाइक से जुड़ी सारी डिटेल्स। अब सवाल यही उठता है कि इलेक्ट्रिक टू व्हीलर सेगमेंट में, जो कि बहुत ही नया है और बहुत ही चुनिंदा प्लेयर है, तो किस तरीके से पब्लिक इस बाइक को प्यार देती है। खैर, अभी तक जो मैंने इस बाइक के बारे में जो डिटेल्स बताया वो हमारा फर्स्ट इंप्रेशन है। आपको फुल डिटेल रिव्यू इस बाइक के बारे में हम जरूर बताएंगे जब ये बाइक हमारे पास टेस्ट राइड के लिए आएगी। ये तो रही अल्ट्रा वॉयलेट से जुड़ी सारी डिटेल्स। जिग्निशन में अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको बताने वाले हैं कार डिटेलिंग और PPF के बारे में। ब्रेक के बाद आप सभी का हमारे स्पेशल सेगमेंट ऑटो स्मार्ट में स्वागत है। इस सेगमेंट में हम बताने जा रहे हैं कार डिटेलिंग और PPF के बारे में। विशेषज्ञों का कहना है इससे गाड़ी की लाइफ लंबी हो जाती है। तो चलिए करीब से जानते हैं इसके बारे में। प्रत्येक वाहन मालिक की जिम्मेदारी होती है कि गाड़ी को मेंटेन रखें। इससे गाड़ी की लाइफ लंबी होती है, साथ ही साथ गाड़ी बीच रास्ते में धोखा नहीं देती है। बहुत सारे लोग अपने गाड़ी को प्रीमियम लुक देने के लिए उस पर डिटेलिंग और PPF करवाते हैं। अब सवाल उठता है कि गाड़ियों में डिटेलिंग करवाना क्यों जरूरी है और ये PPF होता क्या है, तो चलिए इसको समझते हैं। दरअसल शहरों में अधिकतर लोगों के पास गाड़ी पार्क करने की व्यवस्था नहीं होती है और वो अपनी गाड़ी को बाहर पार्क कर देते हैं। वहीं बहुत से लोग गाड़ी की शाइन बरकरार रखने के लिए उस पर कार डिटेलिंग और PPF करवाते हैं। कार डिटेलिंग इसलिए जरूरी है क्योंकि कार आपकी पर्सनालिटी को दर्शाती है। इसके अलावा कार डिटेलिंग से आपकी गाड़ी की शाइन और पेंट लाइफ बढ़ जाती है। वहीं डिटेलिंग आपकी गाड़ी को अल्ट्रा वायलेट रेस से भी बचाता है और गाड़ी सालों साल तक नई लगती है। अब बात करते हैं PPF की। PPF का मतलब होता है पेंट प्रोटेक्शन फिल्म। ये एक तरह की ट्रांसपेरेंट पन्नी होती है जो काफी मजबूत होती है और इसे गाड़ी की सतह पर लगाया जाता है। इसके लगने से गाड़ी की चमक बरकरार तो रहती ही है, साथ ही गाड़ी का लुक अधिक प्रीमियम हो जाता है। ये आमतौर पर यूरेथेन की एक पतली परत से बना होता है, ट्रांसपेरेंट और सेल्फ हीलिंग होता है। PPF को एंटी स्टोन फिल्म के रूप में भी जाना जाता है। इसमें हाइड्रोफोबिक गुण होते हैं।
जो कीड़ों, लाइम स्केल और रेजिन से बचाता है। इसके अलावा सड़कों पर उड़ने वाली धूल, कंकड़ आदि से गाड़ी के पेंट को सुरक्षित रखता है। वक्त बीतने के साथ हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक उसी दौरान कार डिटेलिंग और मेंटेनेंस की दुनिया भी बहुत तेजी से तब्दील हो रही है। आलम यह है कि ग्राहकों की मांग में देखने को मिल रहे अभूतपूर्व बदलाव और तेजी से तरक्की कर रही तकनीकी गाड़ी डिटेलिंग सेक्टर को अब नया आकार दे रही है। सो फ्रेंड्स, अब वक्त हो चला है हमारे खास सेक्शन न्यूज व्हील का, तो चलिए डालते हैं इस पर एक नजर। लग्जरी कार निर्माता कंपनी ऑडी ने अपनी कार की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। अगर आप अगले महीने यानी कि जून में ऑडी की कार खरीदेंगे तो आपको सभी मॉडल्स की कीमतों में 2% से ज्यादा का भुगतान करना पड़ेगा। ऑडी की कारों में ये बढ़ोतरी सभी मॉडल रेंज के लिए की गई है। पिछले वित्त वर्ष में भी कंपनी ने अपनी कारों की कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज की थी। इसी के साथ ऑडी का नाम उन कार निर्माता कंपनियों के साथ जुड़ गया है। अब सवाल उठता है कि आखिर क्यों ऑडी ने बढ़ाई अपनी गाड़ियों की कीमतें? तो इसका जवाब ऑडी इंडिया के हेड बलबीर सिंह ढिल्लों ने खुद दिया है। उनका कहना है कि इनपुट कॉस्ट के बढ़ने से कार की कीमतों में 1 जून 2024 से 2% की बढ़त होने जा रही है। इन कीमतों को बढ़ाने का उद्देश्य ऑडी इंडिया को नियमित रूप से बढ़ाना है और अपने डीलर पार्टनर्स की ग्रोथ करना है। कंपनी की कोशिश रहती है कि बढ़ी हुई कीमतों का असर हमारे ग्राहकों को कम से कम हो। जीप इंडिया ने भारत में अपनी रैंगलर फेसलिफ्ट को लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इसकी शुरुआती कीमत 67,75,000 रुपए रखी है, जो कि 71,65,000 रुपए के एक शोरूम तक जाती है। इस लाइफस्टाइल ऑफ रोडर को 2 वेरिएंट्स में पेश किया गया है, जिसमें अनलिमिटेड और रूबिकॉन शामिल है। कंपनी ने इसके एक्सटीरियर में कुछ बदलाव किए हैं और साथ ही कुछ अतिरिक्त फीचर्स शामिल कर लिए हैं। नई रैंगलर की डिलीवरी मई महीने के मध्य से शुरू हो जाएगी। एक्सटीरियर बदलावों की बात करें तो नई 2024 रैंगलर की ग्रिल पर 7 स्लैट ब्लेड आउट ग्रिल, चौड़ा बम्पर और अपडेटेड फेस दिया गया है। इसके अलावा अनलिमिटेड वेरिएंट में 18 इंच के व्हील्स और रूबिकॉन वेरिएंट में 17 इंच के व्हील्स दिए गए हैं। इसके अलावा विंडशील्ड पर गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन भी दी गई है। फीचर्स की बात करें तो जीप की ओर से रैंगलर 2024 में कई बेहतरीन फीचर्स दिए गए हैं। इसमें टाइप सी यूएसबी पोर्ट, 12.3 इंच की नई डिजिटल टच स्क्रीन, वायरलेस एप्पल कार प्ले, एंड्रॉइड ऑटो, एक साथ 2 ब्लूटूथ इनेबल्ड फोन की कनेक्टिविटी, यू कनेक्ट 5 सिस्टम, एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन सिस्टम, डायनेमिक ग्रिड लाइन और पार्क व्यू रियर जैसे एडवांस फीचर्स मिलते हैं। वहीं सेफ्टी के लिहाज से देखें तो इस ऑफ रोडर कार में कई एडवांस सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं। इसमें बैकअप कैमरा, रोल मिटिगेशन के साथ ट्रैक्शन कंट्रोल, ESC, ADAS, साइड एयरबैग, ड्राइवर और फ्रंट पैसेंजर एयरबैग, फ्रंट सीट माउंटेड ड्राइवर और पैसेंजर एयरबैग, 85 से ज्यादा एडवांस एक्टिव और पैसिव सेफ्टी फीचर, 7 इंच एल्यूमिनियम व्हील, एडजस्टेबल पावर फ्रंट सीट, गोरिल्ला ग्लास विंडशील्ड जैसे कई एडवांस फीचर शामिल हैं। इंटीरियर की बात करें तो नई जीप रैंगलर फेसलिफ्ट में कुछ बदलाव किए गए हैं, जिनमें 12.5 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले, 12-वे पावर्ड फ्रंट सीट्स, 6 एयरबैग्स और एडास फीचर्स दिए गए हैं। मैकेनिकली जीप रैंगलर फेसलिफ्ट में 2.0 लीटर का 4 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो 268 हॉर्स पावर और 400 न्यूटन मीटर की पीक टॉर्क जनरेट करती है। इसके इंजन को 8-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर यूनिट गियरबॉक्स से जोड़ा गया है। तो आज के हमारे शो में बस इतना ही। अगर आपके पास ऑटो से लेकर कोई भी सवाल हो तो हमें एक्स यानी ट्विटर और फेसबुक पर रीच आउट करिए। हम आपके सवालों के जवाब जरूर देंगे। जय हिंद।